स्वागत है आप सबका फिर से मेरा एक और नए वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एचएफ प्रिपेयर कैसे करें, यानी कि बॉक्स के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लगा हुआ होता है ट्विटर जिसे हम कहते हैं, उसका जो डायफ्राम जल जाता है उसे हम रिपेयर कैसे करते हैं। कभी कभी ये कंडीशन होता है कि यदि एचएफ जल जाए तो आवाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं आने लगता बॉक्स से, तब हम उसे रिपेयर करते हैं। और उसे कैसे रिपेयर करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है उसे रिपेयर करने के लिए, आज हम आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और जो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आज हम इस बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रिटर्निंग बॉक्स है और इसमें जो एचएफ लगा हुआ है वो जल गया है, तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका प्रोसेस मैं शुरू करता हूँ कैसे कैसे होगा इसमें, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैं इसके जाली को खोल लिया हूँ और अब मैं जो है इसको खोलने वाला हूँ। ये हाइज है, इसी के अंदर ट्विटर फिट है, इसे हम खोलने वाले हैं और आपको बताते हैं। देखिए हम इसको खोल लिए हैं इस ट्विटर को, ये देख सकते हैं आप, कंप्रेशन ड्राइवर पीओडीओ का है, बीएमडी 4460 इसका है मॉडल नंबर, जो 80 वाट का है। और अब हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर चाहिए, यानी कि इससे हम चेक करेंगे कि ये क्या ये ख़राब है या इसका जो नेटवर्क प्लेट लगा हुआ है उसमें इसके अंदर फिट है वो ख़राब है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए। और इसके साथ आता है एक एलेंकी, इसको खोलने के लिए इसके स्क्रू को खोलने के लिए एलेंकी आता है, वो दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार का एक एलेंकी ले लेना है जो कि मार्केट में 5 से 10 रुपये में आसानी से मिल जाएगा गैराज वाले के पास। और अब हम इसे देखिए टेस्ट करते हैं कि ये सही है या ख़राब है। यानी कि मल्टीमीटर का प्लस जो है ये रेड वाला ये प्लस में और ब्लैक वाला माइनस में लगाएंगे, और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, यदि ये मल्टीमीटर रीडिंग शो करेगा तो समझिए कि ये मेरा ट्विटर बिल्कुल ओके है, नेटवर्क प्लेट में प्रॉब्लम है। और यदि ये रीडिंग शो नहीं करता है तो समझिए कि ये मेरा इसका डायफ्राम जला हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे। देख सकते हैं आप, इसको मैंने चेक किया तो ये रीडिंग शो नहीं कर रहा था, तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है मेरा ये, लेकिन कहीं से जला हुआ लग नहीं रहा है, इसका वायर कहीं से छूट गया है। तो अब हम इसमें एक नया डायफ्राम लगाने वाले हैं। ये देखिए एटोम का 450 मॉडल नंबर का है, इसको अब हम इसमें लगाने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये मेरा नया वाला डायफ्राम है और इसको मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो ये बिल्कुल ओके बता रहा है। इसको हम अच्छा तरीके से फिट कर लेते हैं, इसको फिट कर दिए। अब इसका जो है ऊपर का प्लेट हम लगा देते हैं और स्क्रू कस देते हैं, और फिर हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। फ्रेंड वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरे पास डबल मोबाइल भी नहीं है जिससे कि मैं आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके भी इसको सुना सकूं, सिंगल मोबाइल से वीडियो बनाता हूं। ये देख लीजिए आप, देख रहे हैं आप, ये मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसको हम 9 वोल्ट का ये बैटरी जो होता है माइक में लगने वाला, इससे हम इसको चेक करेंगे तो ये भी साउंड देगा हल्का हल्का, और ये भी इनकी ये मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इसी प्रकार का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग।